नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की आज रिहाई है, वो होगी। जी हां, हम आपको बता दें कि JBT भर्ती प्रकरण में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि आज सज़ा 9.5 साल की सज़ा आज पूरी हो रही है और 6 महीने की उनको केंद्र सरकार की ओर से राहत मिली है। कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनको राहत दी गई है। ओम प्रकाश चौटाला आज सुबह मेदांता से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला की जो है गाड़ी है वो तिहाड़ के लिए निकल पड़ी है और जो है आज ओम प्रकाश चौटाला वो तिहाड़ में जाकर के सरेंडर करेंगे, उसके बाद उनकी रिहाई होगी। यानी कि 10 साल की सज़ा ओम प्रकाश चौटाला पूरी करने के बाद आज अपने परिवार और हरियाणा के बीच होंगे। और हम आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए जगह जगह जो है कार्यकर्ता है वो डटे हुए हैं, जश्न की तैयारी है वो की जा रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है कार्यकर्ता लड्डू बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनके पोते करण सिंह चौटाला है आज उनके सारथी बने हैं। करण सिंह चौटाला उनके साथ है गाड़ी में और ओम प्रकाश चौटाला है वो तिहाड़ जेल के लिए निकल पड़े हैं, जहाँ पर आज उनकी रिहाई होगी। और हम आपको बता दें कि 16 जनवरी 2013 को उनको दोषी करार दिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला सहित 55 जो है आरोपियों को दोषी करार दिया था। JBT भर्ती प्रकरण का ये मामला था और 22 जनवरी को उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई थी। जो आज सज़ा ओम प्रकाश चौटाला की सज़ा है वो आज पूरी हो रही है, यानी कि 9.5 वर्ष के बाद उनको 6 महीने की राहत दी गई है। और हम आपको ये भी बता दें कि 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था। इस नियम के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक आधी सज़ा पूरी करने पर विशेष माफ़ी की ये योजना थी। और जो है उसके बाद जो है ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उन्होंने कहा था कि 2013 में उनको सज़ा हुई, उसके बाद जो है वो है 60% है, दिव्यांग थे। और जून 2013 में उनको पेसमेकर लगाए जाने के बाद वो 70% है, वो दिव्यांग हो चुके हैं। उसके बाद उनको जो है 6 महीने की राहत है अब जो है दी गई है, जिसके बाद आज उनकी रिहाई है वो तिहाड़ जेल से होगी। ओम प्रकाश चौटाला के आने के बाद, रिहाई के बाद हरियाणा के राजनीतिक समीकरण निश्चित तौर पर बदलेंगे, ऐसा उनके बेटे इनेलो के प्रधान महाश्री बाबा सिंह चौटाला ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आने की बात की जा रही है, वही उस तरह से ही जो है इंडियन नेशनल लोकदल की भी 3 लहर आएगी और तीसरी लहर ऐसी होगी जिसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के तंबू हरियाणा में उखड़ जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो है पहली लहर है वो इंडियन नेशनल लोकदल की चल रही है, क्योंकि उनके हाल ही में जितने भी पूरे प्रदेश भर में जो मीटिंग थी उनमें मीटिंग में जो है कार्यकर्ताओं की संख्या है वो काफ़ी अधिक देखी गई और कार्यकर्ताओं में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आने का, रिहाई का पूरी तरह से जो है वो खुशी है। और दूसरी लहर तब आएगी जब ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा होगी, यानी कि आज इंडियन नेशनल लोकदल की दूसरी लहर है वो आ चुकी है और तीसरी लहर है जब चुनाव होंगे तब ओम प्रकाश चौटाला जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के तंबू खाड़ेंगे। तीसरी लहर उस वक्त सुनामी आएगी हरियाणा में, ऐसा उन्होंने 3 दिन पहले कहा। और हम आपको बता दें कि आज ओम प्रकाश चौटाला है वो तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं, तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। खुद सुनैना सिंह चौटाला है वो तिहाड़ जेल के बाहर है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद निश्चित तौर पर हरियाणा में पूरी तरह से समीकरण बदलेंगे और उन्होंने नारा भी दिया है कि हरियाणा में इस बार इंडियन नेशनल लोकदल 85 पार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 75 पार का नारा जो है पिछले चुनाव में दिया था और इस बार जो है इंडियन नेशनल लोकदल का 85 पार का नारा है उन्होंने दे दिया है। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद आज इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की खबर है, उनके परिवार के लिए खुशी की खबर है कि आज 10 साल की सज़ा काटने के बाद ओम प्रकाश चौटाला रिहा हो रहे हैं। वो तिहाड़ जेल से अपने गुड़गावा आवास पर जाएंगे, वहाँ पर भी कार्यकर्ता उनका जो है गर्मजोशी से जो कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ओम प्रकाश चौटाला है वो मेदांता से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद उनको रिहा है किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।